नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता फराज खान, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। माजुम इकबाल है, उसे भी दबाए ताकि मैं जो भी वीडियो डालू वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फराज खान भारतीय अभिनेता थे। उन्होंने 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में कुछ बॉलीवुड फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया। उनके उल्लेखनीय काम है फिल्म फरेब और मेहंदी। उन्होंने अचानक 37 साल बाद और लिपस्टिक जैसे प्रसिद्ध धारावाहिकों में काम किया। इनके पिता का नाम यूसुफ खान। फराज खान का जन्म 27 मई 1970 को मुंबई, भारत, महाराष्ट्र में हुआ। फराज खान को 1989 की म्यूजिकल रोमांस फिल्म मैंने प्यार किया में उन्हें पहले साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और इसलिए उनकी जगह सलमान खान ने ले ली। उन्होंने फरेब में सुमन रंगनाथन और मिलिंद गुनाजी के साथ अभिनय की शुरुआत की। यह फिल्म 1986 में आई थी। उन्होंने पृथ्वी 1987 में सुनील शेट्टी के साथ खलनायक की भूमिका निभाई। मेहंदी 1988 में रानी मुखर्जी के साथ दिखाई दिए। कुल मिलाकर इन्होंने 7 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म 2005 की फिल्म चांद बुझ गया थी। 2000 के दशक की शुरुआत में वो अचानक 37 साल बाद और लिपस्टिक जैसे धारावाहिकों में दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने कोई है के कई एपिसोड में दिखाई दिए। उनकी आखिरी अभिनीत भूमिका 2008 की श्रृंखला नीली आंखें थी। 2008 से वो फिल्म और टेलीविजन उद्योग से निष्क्रिय थे। सिनेमा संक्रमण के एक साल बाद 4 नवंबर 2020 को बेंगलोर में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से 50 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। फराज खान के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। 90 के दशक में फरेब और मेहंदी जैसी फिल्मों के एक्टर रहे फराज खान। फराज खान के भाई का नाम फाहद अबूशर और इनकी बहन का नाम फादिया अबूशर। फराज खान एक भारतीय अभिनेता थे जो मेहंदी 1998, फरेब 1996, दुल्हन बनू मैं तेरी 1999 और चांद बुझ गया 2005 जैसी फिल्मों में अभिनय के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। फराज खान बॉलीवुड अभिनेता यूसुफ खान के बेटे थे जो फिल्म अमर अकबर एंथोनी में जेबिस्कू की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। 1989 में फराज खान को म्यूजिकल रोमांस मैंने प्यार किया में पहले मुख्य भूमिका के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी जगह बॉलीवुड सेलिब्रिटी सलमान खान ने ले ली। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसके बाद सलमान खान मशहूर एक्टर हो गए। 1996 में उन्होंने फिल्म फरेब से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर रोहन वर्मा की भूमिका निभाई। इसके बाद 1998 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी के साथ फिल्म मेहंदी में काम किया। इसमें उन्होंने निरंजन चौधरी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। 1997 में उन्होंने 1+1 शो से टेलीविजन पर डेब्यू किया। 2002 से 2003 तक वो अचानक 37 साल बाद का हिस्सा रहे, जिसमें उन्होंने अजय की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 2004 में उन्होंने कोई है कि कुछ एपिसोड में सिंगार की भूमिका निभाई। बाद में वो विभिन्न टेलीविजन श्रृंखलाओं में दिखाई दिए, जैसे कि रात होने को है 2004, नीली आंखें 2008। उनके करियर की एक और प्रमुख भूमिका फिल्म दुल्हन बनू मैं तेरी 1999 में आई थी। इसके बाद वो दिल ने फिर याद किया 2001, बाजार, मार्केट ऑफ लव, लस्ट एंड डिजायर 2004, चांद बुझ गया 2005 जैसे अन्य विभिन्न फिल्मों में दिखाई दिए। 2019 से फराज खान खांसी और सीने के संक्रमण से पीड़ित थे। 8 अक्टूबर 2020 को खांसी बढ़ने पर डॉक्टरों से वीडियो परामर्श के बाद उन्हें बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया। एम्बुलेंस में ले जाते समय उन्हें 3 बार झटका पड़ा, जिसके बाद उन्हें आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया। उनके भाई ने बताया कि फराज को मस्तिष्क में
हार्पिस संक्रमण के कारण लगातार दौरे पड़े जो उनकी छाती में फैल गया। इसके बाद फरहास के परिवार ने अभिनेता के इलाज के लिए धन संचय शुरू किया। वित्तीय सहायता के लिए अपनी याचिका में फहेद अबूशर ने लिखा कि उनके भाई फरहास खान को मस्तिष्क संक्रमण का पता चला है और उनके इलाज के लिए 25 लाख की आवश्यकता है। सलमान खान और पूजा भट्ट जैसे बॉलीवुड हस्तियों ने अभिनेता के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की। 4 नवंबर 2020 को लंबी बीमारी के बाद फरहास खान का बेंगलोर के विक्रम अस्पताल में निधन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।